हेलो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर मेरे बेटे का बर्थडे है और मेरी भतीजी का भी बर्थडे है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग्स बनाती हूँ, कैसे हमने अपने बेटे का बर्थडे एंजॉय किया। तो सबसे पहले हम 4 बजे के समथिंग जनेश्वर पार्क गए हैं, वहाँ पे अपने सारे भतीजे भतीजों को लेके जो है ना एंजॉय करने के लिए। बहुत बड़ा ये पार्क है और इसका एक पार्ट ही मुझे लगता है घूम पाएंगे, क्योंकि पूरा घूमने के लिए तो मुझे पूरा दिन चाहिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। हम लोग स्टार्टिंग में जब मेन गेट से आए हैं, उसके बाद सामने ये जो है ना दिख रहा है, यहाँ पे सूरज हल्का सा नीचे डूबता हुआ दिख रहा है, फाउंटेन है बहुत सुंदर सा। और ये मेरी बेटी है, ये मेरे हस्बैंड हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं। और हम शायद 5-6 बच्चे हैं, मेरे भाइयों के बेटे हैं, मेरी भाभी की बहन की बेटी है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और जो है ना हम सारे घूमने निकले हैं। क्योंकि बच्चों का बर्थडे ऐसे मनाते हैं कि जो है ना, पहले तो मैं घर पे ही जो है ना पार्टी देती थी या तो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में। इस बार थोड़ा नया करने का सोचा कि बच्चों को पहले घुमाते हैं, फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे बेटे का तो बर्थडे है ही है, साथ में मेरी भतीजी का भी बर्थडे है, दोनों का सेम डे पड़ता है, तो दोनों को एक साथ ही इंजॉय करवा रही हूँ। तो अभी तो हम लोग जो है ना जनेश्वर पार्क में बच्चों को ले जाएंगे और फिर वहाँ पे उनको खूब मस्ती कराएंगे, खूब वो खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम सारे आ गए हैं और मछलियाँ, मेरे बच्चे कह रहे थे मुझे मछलियाँ देखनी है, तो मछलियों को खिलाएँ क्या? तो हम लोग पॉपकॉर्न जो खा रहे थे वही हम लोगों ने खिलाए। खिलाने के बाद थोड़ा सा सेल्फ़ी टाइम हुआ है, तो मेरे हस्बैंड जी जो है ना सेल्फ़ी ले रहे हैं हम सभी की। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं सोच रही थी पहले क्यों नहीं आई, लेकिन कोई नहीं, जब भी आई बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम सारे जो है ना पैदल तो इतना घूम नहीं पाएंगे, तो एक गाड़ी कर ली है, ई रिक्शा टाइप में, उससे जो है ना गए हैं। फिर ये पार्क है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और मेरे पति भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सेल्फ़ी ले ली, सोचा सेल्फ़ी लेती हूँ अपने हस्बैंड के साथ भी और ख़ुद की भी। आप लोगों को अगर ये मेरा ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। श्रुति दीदी अभी संघर्ष में, आप भी हो रहे हैं, बच्चे चढ़ चढ़ पहुंच गए बिटिया, और चढ़ना है, चढ़ो और ऊपर मत जाना बिटिया, अब यहीं घूमो, इसी में घूमो गोल गोल। आप देखो श्रुति दीदी भी आ गई है, आ जाओ ऊपर, आओ ऊपर, आओ उधर से इधर आ जाओ। बस आ जाओ बेटा, अभी श्रुति दीदी का संघर्ष जारी है। श्रुति दीदी आगे, श्रुति के संघर्ष बहुत ज्यादा है। बच्चे इंजॉय कर चुके हैं, अब चलते हैं हम बच्चों का केक कटवाने और उनको और इंजॉय कराने। तो हम लोग जा रहे हैं बटर स्टोरी, जो एक बेकरी है, वहाँ पे हम सारे जो है ना अंदर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। ये मेरी भाई की बेटी है जो 7th क्लास में है, वो मेरा बेटा जा रहा है, मेरे हस्बैंड है, ये राघव है, और ये तो आप जानती हैं मैं ही हूँ। तो अब चलते हैं जो है ना, केक मैंने ऑर्डर कर दिया है। आपको जो है ना बटर स्टोरी का थोड़ा सा जो है ना मैं पार्ट दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर दिख रही है यहाँ पे। तो केक ऑर्डर कर दिया है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो है ना केक काटने की, और इंतज़ार कर रहे हैं। सबकी अलग अलग डिमांड है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। यहाँ की पार्टी इंजॉय करके जो है ना हम चलेंगे नेक्स्ट जो है ना जगह पे। केक आ चुका है और मेरा बेटा जो है ना नाइफ लेके बैठा हुआ है, और भाई की बेटी सोच रही है मेरा टर्न आएगा कि नहीं आएगा कटवाने में। फिर हम लोग अभी दूसरी नाइफ भी मंगवाएंगे, फिर दोनों मिलके बर्थडे एंजॉय करेंगे।
और दूसरी नाइफ भी आ गई और दोनों ने केक कट कर दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आप दोनों को ढेर सारी खुशियां मिले, कोई भी कभी भी गम ना छू पाए तुम दोनों को। हैप्पी बर्थडे। जा 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 जा। बेटा श्रुति दीदी को खिलाओ, दोनों बच्चे श्रुति दीदी को खिलाओ, छोटा छोटा खिलाओ, श्रुति दीदी को खिलाओ, बीस श्रुति दीदी को, बीस बीस श्रुति दीदी आपको खिलाया। और केक कट करने के बाद बच्चे खुद ही उसको खाए जा रहे हैं, किसी को खिलाने के लिए सोच भी नहीं रहे। जब बोल रही हूँ दीदी को खिलाओ या पापा को खिलाओ तो खिला रहे हैं, वरना सारे बच्चे खुद ही से उठा उठा के खाए जा रहे हैं। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने और बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद की मस्ती। बहुत ही अच्छा लगा। पापा को खिला, रुक जाओ, मेरे पापा को भी खिलाना बेटा, रुक जाइए। और लास्ट में उसने अपने पापा को खिलाया। फिर हम आ गए अपने भाई के घर भी। चलिए, मेरे भाई की बेटी है जो वहाँ थी, और मेरी भाभी, मेरा बेटा और मेरे भाई। आई होप आप सभी को मेरा ये छोटा सा बर्थडे ब्लॉग्स बहुत ही पसंद आया होगा और आप सभी बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप सभी को ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने तो बहुत इंजॉय किया और ये उम्मीद है कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा लगा। ये मेरे भाई का बेटा है, जिस भाई की बेटी का बर्थडे उसी का भाई है, और ये भाई की बेटी है। हम सभी ने फिर लास्ट में सेल्फी ली। ये मेरे भाई भाभी जो मैंने पहले आप बताया था, और ये मेरा बेटा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग्स के साथ। ओके, बाय, लव यू, टेक केयर।